हाय वेलकम अगेन. आज ब्रेड की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है और उसको हीट करना रख दिया है. अब मैं सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालूंगी. एक प्याज मैंने बड़ा लंबा लंबा काट लिया है. इसको हम हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक भुनेंगे. उसके बाद मैंने अदरक लहसुन कूट के रख लिया था, तकरीबन 5-6 लहसुन की फलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, वो भी इसके अंदर डाल देंगे. तो पहले इसको होने देते हैं हम. इसको ट्रांसलूसेंट होने देते हैं और तब तक यहाँ पर देखिए मैंने आधा कप मटर बॉईल करके रख लिया है और ये मेरे पास मैश किया हुआ आलू है. 3 मीडियम साइज के आलू थे मेरे पास जो मैंने मैश कर लिए. ये हो रहा है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो फिर अदरक लहसुन डालेंगे. देखिए लाइट पिंक भी होने लगा है, तो अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन डाल देती हूँ. 1.5 टेबलस्पून जितना है ये टोटल. साथ साथ ही इसमें नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार. हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, एक चम्मच चाट मसाला, और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर. मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके अंदर 2 बूंद पानी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं. बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि पानी सुखाना पड़ेगा हमें, ताकि लगे नहीं इसीलिए डाल रहे हैं हम पानी थोड़ा सा, नहीं तो मसाले लगने का खतरा रहता है. ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं. अब हम इसमें मटर डाल देंगे बॉइल और आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कम सेक पर पकाएंगे ताकि सारे मसाले जो है आलू में और इसमें मिक्स हो जाए. उसके बाद फिर हम आगे का करेंगे. मैं इसमें 2 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून जितना धनिया भी डाल रही हूँ और इसको अब मिक्स करके बंद कर दूंगी मैं, क्योंकि 2-3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए. तो मिक्स करके बंद कर देंगे और उसके बाद इसको ठंडा बना रख देंगे. तब तक हम फिर ब्रेड का आगे का काम कर लेंगे जब तक ये ठंडा होता है. जब तक मसाला ठंडा हो रहा है यहाँ पे मैंने देखिए 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं. और भी जरूरत पड़ेगी पर अभी हम इसको करते हैं. तो ये ऐसे कोई भी राउंड अप ढक्कन या लेके डब्बी कटोरी कुछ भी और इसको कट कर देंगे हम और निकाल लेंगे. ये ऐसे राउंड राउंड करके ये निकाल लेंगे सारे के सारे और एक बार ये निकल जाएंगे तो फिर कचौड़ियां बनाना शुरू करेंगे. देखिए मैंने 12 ब्रेड ऐसे काट के रख ली हैं, इससे 6 कचौड़ियां बनेंगी और इसीलिए मैंने 6 बॉल्स भी बना ली हैं इसकी आलू की. तो मैं यहाँ से 2 लेती हूँ ब्रेड और इनको वेट करूंगी पानी से. कॉर्नर ज्यादा अच्छे से वेट होने चाहिए क्योंकि चिपकेगा पानी से ही ये. और एक बॉल यहाँ पे रखकर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर ये उल्टा करके डाल के और धीरे धीरे
हम इसको इस तरीके से करके चिपकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी और लगा देंगे कॉर्नर्स में ताकि अच्छे से चिपक जाए। ब्रेड ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सॉफ्ट हो, अच्छी हो। अगर ब्रेड आपकी हार्ड सी होगी तो वो अच्छे से नहीं बनेगा। इसको बस ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स खूब अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखिए खुल रहा है, इसे खुलना नहीं चाहिए। जहां से भी खुल रहा होगा वहां थोड़ा सा हम पानी लगा के और चिपका देंगे इसको। साइड से टूटता है तो उसको निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट आपका राउंड बनेगा। ये जैसे ये निकल रहा है इसको हम निकाल देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि चिपके अच्छे से सब तरफ से। ये देखिए सब तरफ से चिपक गया अच्छे से, कहीं से भी खुला नहीं दिख रहा, अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम बाकी के सारे भी ऐसे ही बना लेंगे और फिर हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तब तक तेल भी हमारा गर्म हो जाएगा और फिर मीडियम आंच पे हम इसको बनाएंगे। ये बाकी के बना देते हैं। ये हमारे सारे बन गए हैं और तेल भी गर्म हो गया है। मैंने आंच कम कर दी है, बल्कि मीडियम रखूंगी। मीडियम आंच में इसको हम पकाएंगे। तो मैं ये डाल देती हूँ कचौड़ियाँ अंदर और इनको तब तक नहीं हिलाना है जब तक एक साइड पक ना जाए, नहीं तो इनका फटने का खतरा रहेगा। तीन तीन करके डालूंगी मैं क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है, तो इसमें तीन से ज़्यादा आएंगी भी नहीं। और इसको मीडियम आँच पर मैं पकने दूंगी। फिर जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर इसको पलट दूंगी। देखिए एक साइड से थोड़ा सा रेड हो गया था तो मैंने पलट दिया है, अब वो दूसरी साइड भी रेड हो जाएगी। तो फिर मैं एक बार ही दोबारा इसको पलट दूंगी क्योंकि अभी पूरी तरह से रेड नहीं हुआ है। देखिए ये रेड हो गई है कितने अच्छे से, मैंने पलट भी दिया था, दूसरी साइड से भी रेड हो गई है। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, पहले इस पर निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए जो एक्सेसिव ऑयल है। और आप इसको टिश्यू पे या अखबार पे निकाल सकते हैं। मेरा टिश्यू खत्म हो गया तो मैं इसको अखबार पे निकाल दूंगा। ये देखिए कितना तो अच्छा करंट हो गया और आप आवाज सुन सकते हैं कितने कुरकुरे होंगे, तभी ऐसी आवाज आ रही है। बाकी के भी तीन डाल दूंगी इसमें और इनको भी बना के और फिर हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। इनको भी बनने देंगे फिर चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमारी ब्रेड कचौड़ी बनके रेडी है और इसको मैंने हरी चटनी के साथ परोसा है। आप इसको हरी चटनी, टोमेटो सॉस या इमली की चटनी के साथ भी परोस सकते हैं। खाने में बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी लगती है। आप ये देखिए, उस टाइम भी आपको आवाज सुनाई थी, अभी भी देखिए काफी कुरकुरी बनी है ये और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा घर में और बताइएगा हमें कि आपको कैसे लगी। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक्स, बाय बाय।